हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे हैं। और हम जा रहे हैं आज उफा के उत्तर प्रदेश, मतलब चेरनीकोवका में। आज हम बस से जा रहे हैं, हमने सोचा बस से चलते हैं क्योंकि हम 5-6 लोग थे और बस कुछ अच्छी दिखी आज, कैमरा वगैरह दिखा सब इसमें। और ये हम पहुँच चुके हैं, ये एक मॉल है और मॉल के बाहर बहुत छोटी छोटी शॉप्स लगती हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे, आकाश ने वीडियो शूट किया और हम आपको दिखाते हैं आगे कैसे शूट किया है। तो गाइस, हम आ चुके हैं आज चेरनीकोवका एक छोटे से गांव में। ये मार्केट है जहाँ सस्ते सस्ती चीज़ें मिलती हैं। नाइक का खुशी, इतनी खुशी मुझे। देखिए, यहाँ पर ओरिजिनल नाइक ही मिल रहा है यहाँ पे। क्या प्राइस है, प्राइस क्या है? हेलो, छोटा सा मार्केट। तो बेसिकली इस मार्केट का रूल है कि आपको कुछ भी प्राइस बोले आपको उससे 2-3 गुना कम बोलना है। तो आइए चलते हैं। हमें ठंड बहुत लग रही थी तो हम ऊपर आ गए मॉल के अंदर। ठंड ज़्यादा है नहीं, बट हवाएं जो चल रही हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम आपको टेम्परेचर दिखाते हैं। टेम्परेचर नॉर्मली उतना ज़्यादा लो नहीं था, बट फील्स लाइक -16 आप देख सकते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अंदर हम आए और हमें कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि पास्ता वगैरह बहुत ढेर सारे टाइप की थी, और अचार वगैरह नॉर्मल जो उफा में बनते हैं, काजू बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह सब चीज़ें थी यहाँ पर। आपको जितनी अच्छी आपके अंदर स्किल है सस्ता कराने की, उतनी ही आपको अच्छी मिलेंगी यहाँ पर चीज़ें और सस्ते में। तो कुछ ऐसा है, ये नॉर्मल आर्ट वगैरह है जो कप्स वगैरह प्लेट्स वगैरह पे की गई थी। अच्छी लग रही थी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें दिखी वो थे हमारे मसाले, क्योंकि यहाँ के सुपरमार्केट्स में हमें मसाले नहीं मिलते ऐसे। और ये कुछ प्राइस भी ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा नहीं थी तो लेने लायक था। फिर उसके बाद हम ऐसे ही थोड़ा सोचे मॉल वगैरह घूम ही लें, तो हम ऊपर की तरफ एलिवेटर से जा रहे थे और हमें ढेर सारी शॉप्स दिखी जो ब्रांडेड चीज़ों की एकदम, मतलब उनका रेट लो करके रखा हुआ था, बट बाद में पता चला ये फर्स्ट कॉपी है। और उसके बाद फिर हम दुकानों में गए, बट कैमरे के साथ नहीं गए। यहाँ का जो ऑस्टिन वाला शोरूम है उसमें बहुत चीप चीज़ें मिली मेरे को, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक ठाक थी। नॉर्मल 400-400 रुपये की जीन्स मिल रही थी। और ये क्रिसमस की चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ। तो फिर भाई कोई ऐसा ब्रांड नहीं था जो बचा हो, कोई ब्रांड नहीं। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और ये बंदा काफ़ी अच्छा था। अभी हम आपको रेट सीसी के मुंह से सुनवाएंगे। और जूते वाकई बहुत अच्छे थे, पहले तो हम शौक थे बट अच्छा था। अभी रेट्स पूछते हैं इससे। इसका जीते स्कूल का सामी दरगीज देश 2500 и потом вы можете делать дешевле, да? Да, могу. Хорошо. Если разных 2-3 пара, можно еще дешевле. Как вас зовут? Эльви меня зовут. Хорошо, спасибо вам. Ор फिर हमें एग्जैक्ट जूता दिखा जो हमने 3 दिन पहले इंडिया से ऑर्डर किया है, दिखा रहा है। और आइए दिखाते हैं आपको इसका रेट। और ये 3500 डायरेक्ट बोला। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बेच और के काम हम पे ब्रत मी मी गतो इन ब्लॉक и ми всем скажем что вы дешевле даете здесь если нам даёте давай вот теперь я снимаю сколько будет это стоит на одевай намасте और हम सब ने देखा बट हमने लिया नहीं क्योंकि एग्जैक्ट शूज हमने इंडिया से ऑर्डर कर रखे हैं तो किसी ने लिया नहीं बट हम रेट चेक कर रहे थे और रेट हमने काफी तोड़वाया ये इंडिया वाला शूज़ है बट ये रेट तोड़ दिया और इसने सरप्राइजिंगली रेट तोड़ा। हम आपको दिखाते हैं बट इसने मुंह से नहीं बोला, इसने लिख के दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं। आजा भाई, शूज़ वाकई बहुत अच्छे थे और काफ़ी अच्छा लगा घूम के। जैकेट्स वगैरह भी थी, आप पीछे देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ऑस्टिन में चीज़ें सस्ती थी तो मैंने सिर्फ ऑस्टिन से लिया। और अब हम जा रहे हैं घर। ठंडी बहुत है और मौसम आज साफ़ है बट हवाएं चल रही हैं जैसे कि आपने देखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।